क्या आप जानते हैं कि चाय पूरी दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले बेवरेजेस में से एक है। आई थिंक टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द एंटायर वर्ल्ड। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप शायद चाय ही पीते हैं। कुछ लोग, इनफैक्ट भारत में ज़्यादातर लोग, दिन में कम से कम दो बार तो चाय पीते ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस रिफ्रेशिंग बेवरेज के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो आज मैं आपको चाय से जुड़े 5 अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जिन्हें जानने के बाद चाय के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह बदल जाएगा। सो नंबर 1 इज़, चाय में कई फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी ऐसे पोषक पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी हेल्थ को कई बेनिफिट देते हैं। ये एलर्जी से लड़ने में हेल्प करते हैं और कई तरह के कैंसर का खतरा भी कम करते हैं। इसके अलावा कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। हालांकि जब हम हाई टेम्परेचर पर चाय को उबालते हैं और बार बार चाय को उबालते हैं, तब ज़्यादातर फाइटोन्यूट्रिएंट्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। नंबर 2, चाय से आप अपना मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस, टी, स्पेशली ग्रीन टी में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं, साथ ही डाइजेशन को भी ठीक रखते हैं। हो सकता है कि आपने देखा हो कि कई लोग चाय के बिना टॉयलेट नहीं जा पाते, यानी उन्हें टॉयलेट यूज़ करने से पहले चाय पीना पड़ता है। और यदि ग्रीन टी की बात की जाए तो ग्रीन टी आपका ग्लूकोज लेवल ठीक रखती है। स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट को ग्रीन टी पीना ही चाहिए। और यदि वेट मैनेजमेंट करना है तो ग्रीन और ब्लैक टी बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। नंबर 3, यू कैन लोअर योर इन्फ्लेमेशन। ये बात हम सभी जानते हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द में चाय तुरंत राहत देती है। यदि हम सामान्य चाय भी पीते हैं जो हमारे घरों में बनती है और भारत के हर गली मोहल्ले में मिलती है, तो ये भी हमारी थकान और बाकी के एलिमेंट्स को कम करने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन यदि किसी को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो ग्रीन टी और ब्लैक टी सच में काफ़ी हेल्प करती हैं। नंबर 4, यह बेनिफिट अमेजिंग है लेकिन सेकंड नंबर के बेनिफिट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक्चुअली रिसर्च में पाया गया है कि ऐसे लोग जिन्हें किडनी की समस्याएं होती हैं, जिनका यूरिन ठीक तरह से पास नहीं हो पाता या बहुत कम पास होता है, तो ऐसे लोग यदि कुछ खास तरह की चाय पिएं, जैसे कि ग्रीन टी, बार्ले टी या हिबिस्कस टी, तो इन्हें बहुत ही आराम मिलता है, क्योंकि इन स्पेशल टाइप ऑफ टीज़ में डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर को आपके शरीर से निकालने में काफ़ी हेल्प करती हैं। नंबर 5, वेट कंट्रोल और थायराइड प्रॉब्लम। ये स्पेशली वीमेन के लिए है। जिन महिलाओं में अनियंत्रित थायराइड एक्टिविटी के कारण वेट बढ़ जाता है, चक्कर आते हैं, बॉडी वाटर रिटेन करती है, हाथ पैर स्पेशली टखनों में ब्लॉटिंग या सूजन आती है, तो उन्हें एक्सरसाइज के साथ साथ यदि ग्रीन टी दी जाए तो 2 से 3 महीनों में ही उनकी थायराइड एक्टिविटी या थायराइड की ओवर एक्टिविटी कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन आप याद रखें, यदि थायराइड के कारण ये सभी समस्याएं आ रही हैं तो अकेले ग्रीन टी से उतना बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि आप इसे एक्सरसाइज से कंबाइंड ना करें। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो उन सभी को जानना चाहिए जो किसी भी तरह की चाय पीते हैं, चाहे वो रेगुलर टी हो या ग्रीन टी। इनके अलावा एक और स्पेशल फैक्ट ये है कि दुनिया की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नॉर्मली 100 साल या उससे भी ज़्यादा जीते हैं, वहाँ चाय रेगुलर बेसिस पर पी जाती है। हालांकि रेगुलर टी के कुछ अपने नुकसान भी हैं, जैसे एसिडिटी या वेट गेन, और ग्रीन टी के भी अपने कुछ नुकसान हैं, जैसे कि कमज़ोरी या चक्कर आना। लेकिन ये सब तभी होते हैं जब आप इनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं। लेकिन इनके एडवांटेजेस इनके डिसएडवांटेजेस को आउटनंबर कर जाते हैं, तो इसीलिए कोई कुछ भी कहे, आप बिना डरे एक मॉडरेट अमाउंट में चाय पीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इनडेप्थ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।